राजेश के हाथ लगी 2 लाख की बचत, खुशियां मनाने का प्लान बना, पर क्या हुआ प्लान का जब घायल हुई बेचारी वंदना। नहीं 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 राजेश भाई, बालकनी के बाहर इस तरह से अंतवस्त्र अधोवस्त्र सुखाना हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से बिल्कुल वर्जित है और अशोभनीय भी। दक्षिण भाई, अंदर की ओर सुखाया है अधोवस्त्र। हाँ हाँ, लेकिन जब पवन सरसर करके लहराती है तो ये जांघिया भी लहरा लहरा के अपनी झलक दिखलाएंगे ना बाहर की ओर, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लोग सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी ताजमहल है या शीश महल है जो लोग आएंगे दूर दूर से देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए है? लेकिन राजेश भाई, आपकी अंडरवियर सर हम सबको दिखाई देगी, आपको शर्म नहीं आएगी इस बात को लेकर? अरे पहना हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, जो सूख रहा है वो दिख रहा है। अरे पर राजेश भाई, जाओ दाना, मैं इधर ये पैसेज में सुखा देती ना सारे कपड़े, क्यों इनके मुँह लगते है आप? ए आशा, जबान संभाल के अपनी हद में रह। राजेश भाई, आप यहाँ पौधे लगवाइए, गुलाब चंपा चमेली, आपका छज्जा जो है वो यौवन से खिल खिल जाएगा। आप कहें तो मैं आपको हैंगिंग प्लांट्स ला कर देता हूँ, अपने खर्चे पे मैं भिजवा दूंगा गुलाब के पौधे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लटकाइए, पर अंतवस्त्र अधोवस्त्र नो, क्योंकि रोल मतलब रूल, फॉलो ना करे ते फूल, समझे? गुलाब लाकर दे रहे दक्कू भाई, तो लाने दो ना, कच्चे लहराए बालकनी में, उससे तो अच्छा कि गुलाब के फूल लहराए। और जब पौधों में फूल आएंगे ना तो आ जाएंगे अपनी लॉ बुक लेकर। राजेश भाई, सिर्फ ये पौधे आपके हैं, उनके इन गुलाबी संतानों पे मेरा है हक, वंदना भाभी की भाषा में कहूं तो मैं हूं बुड़बक। राज, ये Exactly, मैं भूल गया था इस एफडी के बारे में। अगले हफ्ते हमारे हाथ 2 लाख आए, तो बताओ क्या करें? आइडियाज आइडियाज। एक नया फ्रिज ले लो, बड़ा वाला, जैसे कबर्ड की तरह खुले। अरे अपना फ्रिज सही तो चल रहा है, तो बिगड़ने में कितना टाइम लगेगा? मतलब आप डैडी को बोलो ना कि फ्रिज की कूलिंग खराब है, थोड़ा रिपेयर कर दो ना राज, फिर डैडी रिपेयर करेंगे तो पूरा फ्रिज बिगड़ जाएगा। बहुत पिटेगा, नहीं पिटेगा नहीं, लेकिन वंदना हेलो, जरा समझाओ इसे। अरे मैं इंजीनियर बनने वाला था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, पूछो मम्मी से, मम्मी बताओ तो, वो कॉलेज की फीस महंगी थी ना इसीलिए, वरना तो मैं, अरे बताओ ना तुम क्या बातें सुनने लगे, बताओ ना इसे। मैं बोलूं अथर्वा, डैडी के बारे में ऐसे बात करते हैं? देखो अभी बताती हूँ तुझे, इधर इधर आ तू, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे धीरे भाग, गिरवर क्या, तो हड्डी टूट गई ना, तो तेरी मरम्मत में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ चलो 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 बोलो, जल्दी डिसाइड करो ना कि 2 लाख का क्या करना है। नया टीवी लेते हैं। Hey, not a bad idea, smart TV, 56 inch. ये टीवी ठीक तो है? ये ठीक है? हाँ। अरे ये टीवी वीक है, इसके स्क्रीन में लीक है। ओहो, हमारे पर्सनल दक्षेश जोशीपुरा जी। वंदना भाभी, जब मैच देखता हूँ ना, ये टीवी ऐसे ऐसे हिलने लगता है, वो आई अल्फाबेट होता है ना, ऐसे एस की तरह दिखने लगता है। I think नया टीवी ठीक रहेगा। नहीं डैडी, आप मुझे ना 2 लाख दो, मैं 2 के 20 करके दिखाऊंगा। कैसे? देखो 2 लाख में से 1,99,980 मैं खर्च कर दूंगा, तो बाकी बचे 20, हो गए ना 2 लाख के 20। सिंपल ना, सिंपल मैच। हाँ, ओ चाणक्य वागले, आप जरा शांत रहो। अच्छा ओके, सीरियसली नहीं, कार खरीदे। हाँ। है ना, 2 लाख डाउन पेमेंट और फिर ईएमआई इंस्टॉलमेंट। हाँ, है ना? हाँ, यस। नहीं लेकिन मम्मी पापा के फ्लैट का इंस्टॉलमेंट अभी चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, 5 साल के लिए बच्चों के नाम पे एफडीज ओपन करें। हाँ, लेकिन एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर गया है, गोल्ड खरीदे। यस, गोल्ड इज गुड। नहीं, गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया है, 2 लाख चिटफंड में डालते हैं, है ना? हाँ। अरे नहीं, चिटफंड बहुत रिस्की है, पैसे डूब सकते हैं। और तुम क्या हर बात में हाँ हाँ करके मुझे कंफ्यूज कर रही हो? ये रहे मेरे ऑप्शंस। एक मिनट बैठने दो, ठीक से। हाँ बंधु, उंगली खींचो, अथर्व जोड़ो,
इतने सारे ऑप्शंस? अरे 2 लाख का सवाल है तो ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे ना. ओके ये वाला. ओके चिट नंबर 14. हाँ मिल गई. हर्षद अग्रवाल शेयर मार्केट. ओके अरे क्या ओके राजेश बाबू, ओकर सिंदूर देखकर आपन कपार मत फोड़ी. क्या बोली पटना पुत्री? यही कि दूसरे की नकल करने के चक्कर में अपना माथा मत फुड़वा लेना. ये शेयर वेयर हमारे बस की बात नहीं है राज. नहीं, अभी तुमने उंगली खींची है तो बात करके देखते हैं हर्षद अग्रवाल से. अरे शेयर बाजार में डालो 2 लाख. हाँ ये देखो, ये इंडो जैपनीज कंपनी है, मार्क माय वर्ड आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा देगी. आके काटो फार्मास्यूटिकल्स क्या करते हैं ये? अरे दुनिया का बेस्ट मच्छर रिपेलेंट लोशन बनाती है. बड़े से बड़ा मच्छर क्रैश कर सकता है ये. कौन खरीदेगा ये लोशन? मतलब अगर मच्छर काट भी नहीं रहे होंगे ना तो भी आकर काटेंगे, क्योंकि नाम में ही है ना, आके काटो आके काटो. सॉरी क्या बोले? इन्होंने कहा क्या राजेश भाई, नाम में क्या रखा है? वैसे नाम का देखे तो हमारी जो बड़ी बहन है जयपुर वाली, उसकी सास का नाम गोली रहा है. गोली कहाँ रहती थी? बंदूक में. सॉरी सॉरी आके काटो जैसे सब जो. सॉरी वैसे वो गोली रानी 5 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों में रहती है जयपुर में. अच्छा और एक है, अगर रास्ते में चलते हुए किसी से टकरा गई तो लोग बोलेंगे ओ गोली लगी. ये दूसरा शौक था, ये सब आके काटो की वजह से हुआ. चोक वोक छोड़िए अंजेश भाई, बाजी मारिए शेयर बाजार में, फिर आप धीरे धीरे बिल्कुल मेरी तरह बन जाएंगे. हैं? अर्षद भाई मैं मान गया आपको, आके काटो की जो टिप दी है ना माइंड ब्लोइंग. और सरकुट ऊपर आ गया. बिल्कुल राज. राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले. राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले. अब मेरा बोला हुआ भी रिपीट करेंगी ज्योति भाभी. अभी आप दोनों को तो बात करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना? मैं जाती हूँ. ओ राजेश भाई क्या जो? क्या करूं मैं 2 लाख रुपए का? अरे राजेश भाई शेयर बाजार में डालो, 2 लाख रुपए में क्या इतना सोचते हैं? अरे आपके लिए होगी छोटी रकम, मेरे लिए नहीं, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा ना. सर आप अपने 2 लाख रुपए ईशो को दे दीजिए ना, ये आपको डबल करके देगी. क्यों ईशो? मैं कैसे डबल करूंगी? सर के 2 लाख को प्यार से देखकर. क्या? हाँ सर, जब ईशो मुझे प्यार से देखती है ना तो मेरे दिल की धड़कन डबल हो जाती है, इसीलिए पैसे भी. कुछ भी बोलता है. सर आपके पैसे मुझे दीजिए, मैं अपने पार्टी फंड में डाल दूंगा. हमारी पार्टी है ना जागरूक समाज दल. कितना इंटरेस्ट है? पूरा इंटरेस्ट है सर. अच्छा मैं मेरी पार्टी का काम जान लगा के करता हूँ, अगर पार्टी चुनाव में जीत गई तो आपके सारे काम फ्री में करवा देंगे. पुलिस का लपड़ा, नकली सर्टिफिकेट बनवाना हो, आजू बाजू वाले के पिटवाना हो. थैंक यू चंदू, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पार्टी में. पर मुझे आपके टिफिन में पूरा इंटरेस्ट है सर. जहां तक आपके पैसों का सवाल है, आप इन्हें एक ऑटो रिक्शा डाल दीजिए और फिर उसे किसी को चलाने दे दीजिए, रेगुलर इनकम होती रहेगी सर. बात में तो तेरे दम है दासानी. देखो सुना है बिग बॉस धमाका करने वाले, पता नहीं कब कंपनी बेच दे, तो फिर मैं ही चला लूंगा आपकी रिक्शा सर. अरे चंदू तू ये कब से बोले जा रहा है, अभी तक बेची क्या कंपनी तेजवानी सर ने? तो फिर सर मैं एक बात बोलूं. हाँ. हम ना फ्यूचर का सोच के जिंदगी भर बचत करते रहते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट की खुशी के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं. डोंट माइंड प्लीज, लेकिन अगर आप इन पैसों से अपनी फैमिली को किसी अच्छे से हॉलिडे पर लेकर जाएंगे ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा. करेक्ट. गोवा. जाओ बॉम्बे टू गोवा.
चारों हुआ जा। हम चारों क्यों? सब लोग जाएंगे ना, पापा भी जाएंगे। अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, तुम लोग हुआ जा। सही है बंधु, आई मीन गोवा मतलब कैसा, यूथ एनर्जी, जवान लोगों के लिए गोवा। बूढ़े लोग क्या करेंगे वहां आकर? अरे बुढ़ा होगा तू, और तेरा बाप तो बुढ़ा है ही। मैं स्वीट 16 समझे। दादी वो गोवा के बीच पर जाकर ना कोंकणी सॉन्ग्स पर डांस करेंगे। हाँ डांस और ओल्ड लेडी, नो चांस। अब तो पिटेगा। तो चलो डैडी, गोवा जाने का तभी मजा आएगा जब हम लोग पैरासीलिंग करेंगे। हाँ पैरासीलिंग, ये क्या होता है? पैराशूट को हम लोग स्पीड बोट से बांध के हवा में उड़ते हैं। मेरे दोस्त राहुल के दूर के अंकल आंटी ने ना किया था और मर गए। पैरासीलिंग करके मर गए थे? देखो उन्हें पैरासीलिंग की और फिर कुछ सालों बाद प्लेन क्रैश हुआ और मर गए। गोवा जाना तो तय है, वहां जाके ना इसे भी छोड़ आना तय है, है ना? ये पैरासेलिंग करेगा ना, नीचे से हम रस्सी काट देंगे तो ये बस तैरता रहेगा हवा में। बिल्कुल यस। राजू है? हेलो राजू। हेलो मम्मी पापा, गोवा की बुकिंग हो चुकी है। yeah. हम अगले वीकेंड गोवा जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। क्या बात है। वाह वाह बेटा वाह, वेरी वेरी गुड। राजू राजू बेटा, वो जो फिल्म दिल चाहता है में ना किला दिखाया था, वहां भी जाना है। वहां भी जाएंगे और मंगेशी के मंदिर भी जाएंगे। हाँ राजू, वहां पे बहुत चर्च है, वो भी देख रहे मुझे, चर्च और मंदिर। और राजू राजू बेटा, मुझे ना वो समंदर में दोनों पांव लटका के ऐसे ऐसे हिलाना है। मेरे लिए एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेना किसी मार्केट से। तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देख के ना बाकी लोग समुद्र में कूद पड़ेंगे। तुम मुझे डिस्करेज क्यों कर रही हो? आप दोनों अपनी अपनी लिस्ट तैयार रखिए, 3 दिन है ना हमारे पास, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हाँ। और राजू 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 बेटा, वो जो फिल्म थी ना एक दूजे के लिए, कमला हसन और रतिया अग्नोत्री ने नाम लिखा था ना, वासु सपना। अरे वासु सपना, वैसे पत्थर में हमें भी नाम लिखना है बेटा, श्रीनिवास राधिका। क्यों? आप ही ना। अच्छा राजू देखो, अथर्व को संभाल लेना। हा? हाँ समझा दिया है। जब भी कहीं जाना होता है या तो सर फुड़वा लेता है या फिर हाथ तोड़वा लेता है। इस बार कर्फ्यू में रूम में उसे बंद करके रखा है, कहा उसे हिलना नहीं इधर से। ये बहुत अच्छा किया तुमने। और ऊपर से सखी को रखा है उस पर नजर रखने के लिए, बेचारा कोने में बैठा है मुंह फुला के। पकड़ा गया। क्या क्या पकड़ा गया? प्रूफ एंड ब्राउनी पॉइंट्स। मैंने क्या किया? तुम पर नजर रखने के लिए मुझे कहा गया है और तुम्हारी हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट मॉम डैड को देने वाली हूँ। हाँ तो? हाँ तो डैड ने मना किया है ना बाहर खेलने के लिए। मैं रूम के बाहर कहाँ गया? मैं तो रूम के एच पे खेल रहा था। नो नो, रूल्स मतलब रूल्स। तुझे क्या जोशीपुर अंकल ने काटा है? रूल्स मतलब रूल्स, पर गए थे फूल। मम्मा मम्मा तू डोंट टच माय फोन। फोन दे। मैं तो सिर्फ क्लिप्स डिलीट कर रहा हूँ। फोन दे। मुझे पासवर्ड भी मालूम है। What? तेरे सीक्रेट्स भी। कैसा सीक्रेट? तो पहले मम्मी को क्लिप दिखा, फिर मैं सबको सीक्रेट ही बताऊं। आई डोंट हैव एनी सीक्रेट्स। मेरा फोन दे। मम्मा मम्मा, अरे क्या हो, क्या रहा है, क्या चल रहा है? मम्मा इसने कर्फ्यू तोड़ा और बाहर खेल रहा था। नहीं मम्मी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और ये मोबाइल पे गेम खेल रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल छीना। मम्मा ये झूठ बोल रहा है, तू फोन दे। एक मिनट, क्या ऐसा तेरे मोबाइल में? हाँ कितना बिगड़ रही है उसमें। मुझे पढ़ने भी नहीं देते, अब गोवा जाने से पहले होमवर्क भी तो कंप्लीट करना होगा ना। एग्जैक्टली, तू फोन छोड़ और होमवर्क फिनिश कर, नहीं तो गोवा जाकर किताबें लेकर बैठी रहेगी। मम्मा कितनी आसानी से आपने इसकी बात मान ली। सखी अभी ना बहस का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम पड़ा है, पढ़ाई कर चुपचाप बस। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था। स्केटबोर्ड तो चला गया, अब क्या करूं? पढ़ाई कर। आओ जल्दी आओ तिवारी, यहाँ यहाँ रख दो पन्ना भाभी के प्रिय गुलाब के पौधे। वाह राजेश भाई, पन्ना भाभी इन गुलाब के पौधों को हेलो ऐसा बोलेंगी ना तो बिना पवन के ये गुलाब के पौधे लहराने लगेंगे। तिवारी जी सर। चलो अब 6th फ्लोर वाली वो झगड़ालू औरत है ना, मिसेस मेहता, उसके यहाँ चलते हैं। उन्होंने क्या किया?
घर के बाहर जूते चप्पल की दुकान, पानी से भरा ड्रम, एक बार तो अपने पति को भी घर के बाहर रखा था उसने। भाई देवे राजेश भाई, मैंने सुना है आप लोग गोवा जा रहे हैं। सही सुना है। अब उसमें तो कोई बायलॉज नहीं है ना, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज बुक में है ना? है हाँ, सोसाइटी में जो नई ट्रॉलीज आई हैं, उस पे आप लगेज रख के ले जाएंगे। हाँ। तो यूज करने के बाद उन ट्रॉलीज को अपनी जगह पर रखना होगा। हाँ। और राजेश भाई, आपको तो पता ही होगा सोसाइटी कंपाउंड में टैक्सी का आना वर्जित है। मैं प्लेन के पायलट से भी गुजारिश करने वाला हूँ कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऊपर से जाते हुए ना शोर ना करे, वर्जित है, इंजन ऑफ कर दो। वेरी फनी, कौवे के हाथ लगा मोती। ए? बेचारी वन्ना भाभी। हेलो तिवारी। जी सर। अरे वाह, गुलाब आ गए। और गधा चला गया। राज, रूल्स मतलब रूल्स। अथर्वा, अथर्वा तुम्हारा बाहर आना अलाउड नहीं है, गो बैक टू योर रूम। लेकिन डैड। गो बैक टू योर रूम नाउ, चलो जाओ। वंदना, राज, मैं यही स्केट लेने आया था, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने आज ही नया मुहावरा सीखा है हिंदी बुक से। मेरा पैर टूट गया। गॉड, सॉरी, बट इस टाइम मेरी वजह से कहीं जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है। इस बार तो मेरे पे कर्फ्यू लगाया था, अब 3 दिन के लिए तो आप पे कर्फ्यू लग गया है। हंस क्या रहा है? पता है डैडी को कितना दर्द हो रहा है? कितना? वंदना, इतना। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी वंदु, मेरी लापरवाही की वजह से सबका गोवा जाना कैंसिल हो गया। मम्मी पापा कितने एक्साइटेड थे। सो सॉरी। राज, तुम बस आराम करो, गोवा तुम बाद में भी जा सकते हैं ना, मैं कुछ खाने का लाती हूँ। वंदु। हाँ। सॉरी। $2,00,000 की वापस FD कर देंगे, गोवा जाना हमारे नसीब में नहीं है। पाँव लटकाने का एक और ही मजा है। राधिका। अरे पाँव लटकाओ ना। नहीं, हो जाएगा ना सब। अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हाय राजू। अरे बेटा, हम गोवा नहीं जा पाए तो क्या हुआ? हम गोवा यही ले आए। स्नैक्स भी ले आए, डोडल पोई और पैटी। यस, एक मिनट डैडी, ये फेनी भी। फेनी तो शराब होती है। नींबू पानी है डैडी। वेजिटेरियन चीयर्स। और अगर स्विट्जरलैंड जाना हो तो वो भी बता देना, हम स्विट्जरलैंड भी यहाँ ले आएंगे। आइए। वंदना, स्विट्जरलैंड बाद में, पहले गोवा तो अच्छी तरह से घूम ले। अथर्वा। यस दादाजी। या दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। अरे ये क्या है? काला पत्थर। मम्मी, काला पत्थर तो फिल्म का नाम है, ये होलो पत्थर है। दादाजी ने बनाया है। ओ अच्छा अच्छा। सखी। यस दादाजी। गिव मी माय पेन, द रेड वन। थैंक यू। क्या बात है पापा। राधिका। हाँ जी। प्लीज कम। हाँ। एक दूजे के लिए। ओ राधिका, हम क्यों पीछे रहे? श्रीनिवास।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.